जैसे कि आपको क्या क्या पहले से ब्रीफिंग दिया गया, लोगों में रिलीफ मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस बोर्ड की कैपेसिटी पानी में भी उतरेंगे, पानी में महोदय, इस बोर्ड के साथ चार बेस प्लेट आते हैं। ये जो आज यहाँ पर मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की गई, ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। इसमें NDRF और SDRF पार्टिसिपेट कर रहा है। इस मॉक ड्रिल का मेन मकसद जो है, एम जो है, एक अवेयरनेस पैदा करनी लोगों में कि पानी में डूबने से कैसे बच सकते हैं और बचा सकते हैं किसी और को, डूबने वाले को कैसे बचा सकते हैं। इसका एम वही है। इसमें हम यही चीज़ दिखा रहे हैं कि सबसे पहले तो एक चीज़, इसमें सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो है कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने होते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि अगर अब कोई एक्सीडेंटली पानी में पड़ा, डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए क्या इकदाम SDRF और NDRF का जो डायरेक्टर है, तो इसी के लिए हम इसमें हमारा एम ये है कि फोर्स की प्रेजेंस हर जगह मुमकिन नहीं है, फोर्स की प्रेजेंस हर जगह मुमकिन नहीं है। इसलिए हम हर एक सिटीजन को एज फर्स्ट रेस्पॉन्डर तैयार करना चाहते हैं, ताकि हर एक सिटीजन हम अपने आप को बचाने के साथ साथ दूसरी की मदद भी कर सके। ऐसे किसी बात ये मॉक ड्रिल का एम है और ये बात being well prepared and having a robust response strategies is today's exercise is a vital part of our ongoing efforts to ensure that we are ready to respond effectively when disaster strikes. We are here to witness the skill, coordination and dedication of our emergency responders and all stakeholders.